हैं, मनदीप हमारे साथ हैं जो कि पंजाब के जालंधर से आते हैं, और हर खिलाड़ी के गले में ये लटका है वो ब्रॉन्ज जो हमारे लिए सोने की तरह है, ये यही वो ब्रॉन्ज मेडल है। एक बार फिर हम न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे आपको दिखा रहे हैं। मनदीप, आपका तो दूसरा ओलंपिक था ये, बैक टू बैक ब्रॉन्ज, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बैक टू बैक मेडल जीतना इंडिया के लिए। और हमारा यही लक्ष्य था कि जैसे लास्ट टाइम एक सोच थी हमारी कि ओलंपिक नहीं खेलने जाना, नाम के आगे ओलंपियन नहीं लिखाने जाना, मेडल जीतने जाना है। तो इस बार भी सेम वही थी हमारी थिंकिंग, और फाइनली मेडल लेके आए हैं इंडिया के लिए, और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आप जहाँ से आते हैं जालंधर का बहुत नाम, जब भी हॉकी का नाम होता है तो पंजाब का नाम होता है, और पंजाब में जालंधर का भी नाम होता है, वहाँ लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, और जालंधर में तो हॉकी बनाने की भी स्टोरी हमने बहुत पहले की है कि वहाँ जिस तरह के हॉकी स्टिक बनाए जाते हैं। तो पंजाब से बहुत खिलाड़ी थे इस बार टीम में, हमेशा रहते हैं, तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं मिठापुर तो थे, मिठापुर तो जैसे प्रगट सिंह जी साढ़े सर वो ऑलरेडी ओलंपियन खेल चुके हैं, जो फिर उस तो बाद मनप्रीत जी ने जो चार ओलंपिक हूँ खेल के आ रहे हैं, दो मेडल ले उन्होंने, तो इदा ही बहुत खुशी की गल है कि पंजाब तो जिदा प्लेयर आए हैं उपर, तो अभी अठ जने हैं, तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि असी मेडल लैके आए हैं इंडिया ली। ये बताइए, पिछली बार भी आप थे, इस बार भी आप हैं, क्या सोच कर गए थे और मैच के दौरान क्या चल रहा था और जीतने के दौरान क्या, वो एक्सपीरियंस साझा कीजिए। बिल्कुल जी, देखो सोच तो वही थी कि बस जाना है और खेल के आना है, अच्छी जो अपनी बेस्ट हॉकी है वो खेल के आनी है, और आई थिंक वो हमने इधर आके शो भी की है, क्योंकि देखा जाए कि 52 ईयर के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराना ओलंपिक में, और उसके बाद अपना ग्रेट ब्रिटेन को वन मैन लेस से फुल मैच निकालना है 43 मिनट, फिर वो जीतना शूटआउट पे बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, और उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था तो उसमें यही था कि हमारे पास अभी चांस है, हमने लेना है ये, और वो हमने लिया और फिर देन उन्हें मेडल लिया। प्रधानमंत्री आप लोग से मिले थे जाने से पहले, और जीतने के बाद भी उन्होंने बात की, ऐसी जो बातचीत होती है उससे कितना टीम का टेम्पो जो है वो हाई होता है, मूड अपबीट होता है? बिल्कुल जी, बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, चेंजिंग रूम में आए, हमने डांस किया, उसके बाद सर का फ़ोन आया, पीएम सर का फ़ोन आया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, हमने बहुत बधाई दी, तो हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद हमारा यही माइंड था कि जो अभी नेक्स्ट आने वाले मैचेस है उसके ऊपर हम अपना फोकस करेंगे, ऐसे ही मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए। मनदीप, क्योंकि आम लोगों के लिए तो एक मेडल होता है, वो खुशी के वक्त हमेशा जश्न मनाते हैं, चाहे हम हो या एक आम भारतीय हो या किसी देश के लोग हों, लेकिन एक बहुत स्ट्रगल की कहानी होती है, चाहे प्रैक्टिस की बात करें या टीम में आने तक की बात करें, वो थोड़ा शेयर करें लोगों से, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं। आपने दो ऐसे ओलंपिक खेले जिसमें दोनों बार पदक हमने जीता है, उसके बारे में कुछ बताइए, जर्नी के बारे में। बिल्कुल जी, स्ट्रगल बहुत रहता है प्लेयर में, क्योंकि 300 डेज आपको कैंप में रहना पड़ता है, ठीक है जी, कम से कम आई थिंक साल में 50-60 दिन मिलते हैं जो आप घर रहते हो, वो भी एक वीक चले गए या 10 दिन चले गए, फैमिली से कम टाइम मिलता है। तो देन जब हम कैंप में रहते हैं तो जो हार्ड वर्क रहता है, आपकी प्रैक्टिस रहती है, धूप में रहते हैं हम, तो वो एक स्ट्रगल रहता है। तो फिर उसके बाद ये रहता है कि जब मेजर टूर्नामेंट आता है तो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है कि हाँ हमें ये कैसे खेलना है, कैसे मेडल लेके आना है इंडिया के लिए, तो वो चीज़ के ऊपर हम बहुत बात करते थे, तो आई थिंक वो हमने बहुत हेल्प की, और एक बिलीव था टीम में कि इस बार मेडल लेके आना है, तो वो फाइनली हमने वो करके दिखाया। तो फाइनली वो कर दिखाया है, एक बार फिर बैक टू बैक ब्रॉन्ज जीता मनदीप, एक बार फिर आपको न्यूज 18 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।